में करो दे रखा हो एक्स वाई में कार्टेशियन फॉर्म में, तब हमने जो परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, पी इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो पिछला लेक्चर एक बार जाके जरूर देख ले। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस ए। तो देखो, मैंने आपको कल जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या लिखवाया था, कोई भी पैडल इक्वेशन है, पैडल इक्वेशन किसको बोलते हैं, पी एन आर में कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम पैडल इक्वेशन बोलते हैं। तो हमें एक पैराबोला दे रखा है, क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये हमें पैराबोला दे रखा है, इसकी हमें पैडल इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या पैडल इक्वेशन। तो देखिए, पैडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखो, पी तो हमारा इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा, और फिर हमें आर निकालना है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम आर स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी कि एक्स बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कोस थीटा, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर देंगे और वहाँ से हम आर की वैल्यू ले लेंगे। तो इस पैडल इक्वेशन में पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पी निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, तो आप डेरिवेटिव कर दो, क्या टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर ए, ये आ गया अपना क्या डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ए बाई वाई। अब आप पी निकाल लो, पी इज इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि टू ए एक्स बाई वाई माइनस वाई और डिवाइड में अंडर द रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि टू ए बाई वाई का होल स्क्वायर, यानी कि फोर ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। आई ना बात समझे, आप देखो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो ऊपर, ऊपर जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड में y, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर द रूट ऑफ, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर जब इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो y बन जाएगा, तो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, वाई स्क्वायर हमारा क्या था, फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर, है ना बात समझे, हमारा वाई स्क्वायर क्या है, फोर ए स्क्वायर सॉरी फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे टू ए एक्स, टू ए एक्स माइनस फोर ए एक्स माइनस फोर ए स्क्वायर और डिवाइड में y से y तो कट गया अंडर रूट, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाला 4a x प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, हम ऊपर नीचे कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ गया अपने पास, माइनस का 2ax, माइनस का 2ax और माइनस 4a स्क्वायर और डिवाइड में अंडर रूट फोर ए एक्स और प्लस एट ए स्क्वायर, है ना बात समझ में सबको। अब यहाँ से देखो, मैं क्या ले रहा हूँ, ऊपर टू ए कॉमन आ रहा है अपने पास, माइनस टू ए कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अगर माइनस टू ए कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा एक्स प्लस टू ए, एक्स प्लस टू ए डिवाइड में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, फोर ए कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट फोर ए और यहाँ बचा एक्स
और जब यहाँ से 4a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2a बचेगा कॉमन, 2a। अब देखो यहाँ पे x प्लस 2a की पावर 1 और नीचे क्या है हाफ अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर भी ये हम काट देंगे वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का माइनस, और ये क्या है a, नीचे क्या है अंडर रूट a, यानी कि ऊपर बचेगा अंडर रूट a और इसकी पावर अंडर रूट x प्लस 2a। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से आ निकालेंगे, क्योंकि अपने पास क्या आ गया, p इज इक्वल टू माइनस a और अंडर रूट दिस नंबर आ गया, आ गया ना समझ में। तो आप देखो हम क्या करेंगे, इसको x को यहाँ से गायब करेंगे और r में ये वैल्यू लेके आएंगे, तो हम r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे क्या, 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ये तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसका, एक्स प्लस 2a का स्क्वायर, एक्स प्लस 2a का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू x, यानी कि 4ax और प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, वही है ना सेम फॉर्मूला, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू हम रख सकते हैं x प्लस 2a का स्क्वायर। तो अब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यानी कि p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, अंडर रूट a का करेंगे तो a हो गया, और इसका करेंगे तो x प्लस 2a होगा, और x प्लस 2a यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 2a वैल्यू निकाले तो इसका दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, यानी कि x प्लस 2a के इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा, x प्लस 2a इज इक्वल टू r, तो x प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 आएगा, यानी कि r। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, पैडल इक्वेशन आ चुकी है, यानी कि जो हमारा पैराबोला है ऊपर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a, उसकी जो पैडल इक्वेशन है वो p स्क्वायर इज इक्वल टू a r होगी। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी पैराबोला ऑफ दिस फॉर्म, उसकी जो पैडल इक्वेशन है वो क्या होगी, ये वाली होगी। नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड। हमें एक एस्ट्रॉइड दे रखा है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। तब हमें बोल रहा है फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व, ठीक है। इसको हम अगर लिखना चाहें, देखो दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब अगर एक्स वाई में इसकी इक्वेशन लिखना चाहो, ये तो क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, क्योंकि हमें एक पैरामीटर है टी, दोनों टी के ऊपर डिपेंड है, तो इनको आप एक्स वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप दोनों तरफ क्या ले लो, इसका भी 1/3 ले लो और इसका भी 1/3 ले लो, तो यहाँ से तो क्या आएगा, या फिर 2/3 लो, आप 2/3 लोगे तो ये 3 कट जाएगा या स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 3 कट जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और जब दोनों को ऐड करोगे, यानी कि इसका 2/3 इसका 2/3, तो यानी कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, और फिर आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको हम एक्स वाई में ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इसकी पैडल इक्वेशन चाहिए, तो पैडल इक्वेशन चाहिए, करो हमारा एक्स वाई में है, ये रहा एक्स वाई में है, तो आप क्या करो, p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x dy by dx माइनस y और डिवाइड बाय 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, हमें ओनली dy by dx चाहिए है ना, x और y हमारे पास ये है, तो आप क्या करो, पहले इसका t के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लो, यानी कि डेरिवेटिव करो, dx by dt, ये क्या आ जाएगा, माइनस 3a cos स्क्वायर t और साइन टी,
और डी वाई बाय डी टी क्या आ जाएगा, इसका आप डेरिवेटिव कर दो, 3a साइन स्क्वायर टी और कोस टी। आई थिंक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसका डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी टी डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, क्या डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कि इसके डिवाइड में ये वाला नंबर। तो ये क्या हमारा 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी और डिवाइड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, 3a से 3 कट गया, माइनस एक साइन की पावर से साइन, कोस की एक पावर से कोस, यानी कि साइन बटा कोस बच गया, साइन बटा कोस क्या होता है टेन टी होता है। सबको समझ में आ गया ना। अब हम निकालेंगे पी, तो पी निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स हमारा क्या है ए कोस क्यूब टी और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स यानी कि टेन टी माइनस टेन टी और माइनस वाई, वाई हमारा क्या है ए साइन क्यूब टी और डिवाइड में हमारा क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर टी का अंडर रूट। यहां से देखो आप क्या करोगे, साइन बटा कोस लिख सकते हैं ना इसको, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस, यहाँ पे पावर तीन है कोस की, नीचे डिवाइड में क्या है वन पावर, तो यहाँ टू बचेगी और साइन आएगा यहाँ पे, तो दोनों तरफ से ए साइन टी कॉमन ले लो, यानी कि ए साइन टी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा माइनस भी बाहर ले लो, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर टी और डिवाइड में अंडर रूट वन प्लस टेन टी, ये वैल्यू हो गई वन, माइनस ए साइन टी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस टेन टी, यह आ चुका है हमारा पी। नेक्स्ट वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है ना, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर यानी कि सेक आएगा, यानी कि कुल मिला के अपने पास क्या आ गया पी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी बाई सेक टी और सेक ऊपर आएगा तो कोस बन जाएगा, यानी कि माइनस ए साइन टी कोस टी, ये हमारा क्या आ चुका है पी की वैल्यू आ चुकी है। हमें क्या चाहिए पैडल इक्वेशन चाहिए इसकी, पैडल इक्वेशन के लिए हमें जो इक्वेशन है वो पी और आर में आनी चाहिए, ठीक है, तो ये साइन टी कोस टी को यहाँ से गायब करना है, तो आप क्या करो यहाँ से आर निकालो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और कोस की पावर सिक्स और इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन की पावर सिक्स, तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया और ये साइन की पावर सिक्स टी। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है क्या एक्स प्लस वाई की पावर थ्री, या फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई चलो सिंपली लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे। देखो अब क्या करते हैं इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज करो, आप क्या आपको क्या निकालनी है ये वाली वैल्यू चाहिए ना, यानी कि एक्स की पावर सिक्स और वाई की पावर साइन की पावर सिक्स, यानी कि अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले में आप एक्स एक्स की जगह साइन स्क्वायर रख दो, वाई की जगह कोस स्क्वायर रख दो, तो ए स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखोगे, साइन या कोस कुछ भी रख दो, साइन स्क्वायर रखना है, ठीक है। एक्स की जगह साइन स्क्वायर और वाई की जगह कोस स्क्वायर, तो उनकी क्यूब करोगे तो साइन की पावर सिक्स और कोस की पावर सिक्स, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, क्योंकि हमने एक्स की जगह क्या रखा है साइन स्क्वायर और वाई की जगह क्या रखा है कोस स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब और माइनस थ्री साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, क्योंकि हमने एक्स की जगह साइन स्क्वायर और वाई की जगह कोस स्क्वायर रखा है, और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ से ए स्क्वायर और ये वैल्यू तो हो गई अंदर वाली वन, वन का क्यूब क्या होगा वन, वन ए स्क्वायर सबके बाहर है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या होगी, वन आ गई, तो माइनस थ्री साइन क्यूब टी और कोस क्यूब टी, आई ना बात, ये किसके इक्वल आया, आर स्क्वायर के इक्वल। एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, ए साइन टी कोस टी की वैल्यू क्या हमारी पी है, तो इसे को अंदर भेज दो, ए सॉरी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो आप देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री और ये क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो क्या है हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है। तो ये हमारा क्या आ चुका है, एक्सप्रेशन आ चुका है इन आर एंड पी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैडल इक्वेशन फॉर दिस एस्ट्रॉइड, ये एस्ट्रॉइड की इक्वेशन होती है, इसको मैं आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे वो आपके थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे थर्ड सेकंड यूनिट उसमें आएगा ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।